नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपके जीवन काल में नया चमत्कार शुरू होने वाले हैं। जी दोस्तों, भूल जाइए पिछले समय की दुख भरी जिंदगी, पिछले समय की दर्द भरी यादें, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन बदल जाएगा। यूं कहें तो आपके भाग्य का नई गाथा यशमय स्वयं भगवान शनिदेव लिखने वाले हैं, जिनमें दोस्तों सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ आपके जीवन काल में आपकी सारी सुविधाएं होंगी, जिनमें आपको बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले समय में आपने बहुत ज्यादा दुख झेले हैं, बहुत ज्यादा संकट समस्याओं का सामना किया है, और दोस्तों इन सभी के बावजूद भी आपने कभी भी भगवान शनिदेव के ऊपर अपने विश्वास, अपनी आस्था को नहीं छोड़ा है। और दोस्तों इसी के कारण भगवान शनिदेव आपके ऊपर यशमी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं, और अगली शुभ से आप शिविर के जुनकाल में जो जो खुशखबरियां देने वाले हैं, जो जो चमत्कार करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम सारी बातें बहुत ही गहरी तरीके से ग्रह गोचर पर निर्मित आप शिविर को बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, भगवान शनिदेव के जो भी सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों भगवान शनिदेव का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी से, एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, जो कि दोस्तों आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, और दोस्तों आप इनसे अनजान क्यों रहते हैं। दोस्तों इन बातों को आप गौर से सुनिएगा, अगर आपके दिल को छू जाए तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त, एक 80 वर्षीय बुजुर्ग था, जो कि दिल का ऑपरेशन उनका हुआ था, और जब बिल आया 8 लाख रुपया, बिल देखने के बाद बुजुर्ग के आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल भी मत रोइए, मैं यह बिल कम कर देता हूँ। तो बुजुर्ग ने कहा, यह बिल तो बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर 10 लाख भी होता तो भी मैं देने में समर्थ हूँ। आंसू तो इसलिए आ गए कि जिस प्रभु ने इस दिल को 80 वर्ष तक संभाला, उसने कोई बिल नहीं भेजा, आपने केवल इसे 3 घंटे संभाला, 8 लाख रुपया। वाह रे मेरे प्रभु, आप कितना ध्यान रखते थे हमारा। यह बात सुनकर वहाँ पर स्थित सभी की आंखों में आंसू आ गए। जी दोस्तों, तो दोस्तों यह कहानी से अगर आपको भी अपने जीवनकाल में कुछ सीख मिली हो, भगवान के प्रति भक्ति जगी हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि भगवान शनिदेव ने जो अब आपके भाग्य को बदला है, जो आपकी अब किस्मत को बदला है, आखिर कौन कौन से खुशखबरी आपको देने वाले हैं, आखिर कौन कौन से चमत्कार आप सभी के जीवन काल पर होने वाले हैं। जी दोस्तों, जहाँ भगवान शनिदेव की बात आती है, तो दोस्तों भगवान शनिदेव दंडाधिकारी, कर्मों के फल के दाता माने जाते हैं। जब भी भगवान शनिदेव किसी के कर्म को देखते हैं तो दोस्तों उनके फलों की तुलना करते हैं, किसने अच्छे कर्म किए हैं, किसने कितना बुरे कर्म किए हैं, दोनों को मद्देनजर रखते हुए व्यक्ति को उनका हिसाब करके अच्छा फल देते हैं। जय दोस्तों, और यश में ही आप शिव के जीवन काल में भगवान शनिदेव आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप शिव के दिल को खुश कर जाने वाले साबित होंगे। तो आए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर आपके नसीब में अब आपको कौन कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। जय दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान शनिदेव के भाग्य की गाथा लिखने के बाद अब आप सभी के जीवन काल में बहुत ही जल्द अगली सुबह से ही जरूरी काम समय पर पूरा होना शुरू हो जाएगा और आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। जी दोस्तों, मानसिक शांति भी आपको मिलेगी, क्योंकि भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाले हैं। किताबें या फिर अच्छी चीज़ें पढ़ने में वक्त बीतेगा। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर ऐसा होगा कि हर कार्यों में आपको मन लगेगा, मन मुताबिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, खुद के विकास के लिए स्वार्थी होना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो दोस्तों खुद के ऊपर भी आप ध्यान दें।
और भगवान शनिदेव आपको खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए एकाग्रचित भी करेंगे, संकेत भी देंगे। आपको बता दें कि दिन की शुरुआत जो दिक्कतें भरी रह सकती है, परंतु आप अपनी प्रतिभा व फिर ऊर्जा द्वारा और फिर भगवान शनिदेव के आशीर्वाद के द्वारा हर परिस्थिति का सामना करने में समर्थ रहेंगे। खास तौर पर महिला वर्ग के लिए यश में बहुत ज़्यादा उत्तम चल रहा है, इसलिए अपनी क्षमताओं का बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से सदुपयोग करें। भगवान शनिदेव यश में आपके साथ रहने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसी दीर्घकालिक लाभ की योजना पर काम शुरू हो सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही चिंता से भी आपको राहत मिलेगी और भगवान शनिदेव आपके घर के माहौल में यश में बहुत ही बड़ी खुशखबरी देंगे। धन से जुड़ी समस्याओं का यश में समाधान करेंगे, जिनमें लाभ की प्राप्ति के साथ साथ ऊर्जा व फिर उत्साह भी घर में बढ़ता रहेगा। आप सभी को बता दें कि दोस्तों, भगवान शनिदेव के ऊपर आप हमेशा जिस प्रकार यकीन रखे हैं, जिस प्रकार विश्वास रखे हैं, दोस्तों समय समय पर भगवान शनिदेव की पूजा आराधना करते रहें और विश्वास को जगाते रहें। भगवान शनिदेव का मंत्र ओम शन संचराय नमः का आप जाप करते रहें। दोस्तों, अगर आप रोज नहीं कर पाए तो शनिवार या फिर मंगलवार के दिन आप इन मंत्रों का अवश्य जाप करें। कोई आपको नहीं भी बोले तो भी दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवनकाल में ऊर्जा का वह संचार होगा जिनसे दोस्तों आपको कुछ नहीं भी समझाए, कुछ नहीं भी दिखाई दे, फिर भी आपको एक बहुत ही अच्छा रास्ता मिलेगा। बस शनिदेव पर यकीन रखिए, अपने कामों को उनके ऊपर छोड़ दीजिए और आप कार्यों को करते जाइए, तभी दोस्तों आपके जीवनकाल में भगवान शनिदेव ये खुशखबरियाँ लेकर आएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि अब भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से घर में किसी मांगलिक प्रसंग व फिर शुभ आयोजन की प्लानिंग भी बनेगी। पिछले काफ़ी समय से चिंता चल रही थी वह भी यश में दूर होगी। नवीन कार्यों के प्रवृत्ति भी बनेगी। आपकी बौद्धिक क्षमता में भी लोग आपकी सराहना करने वाले हैं। आपकी जो बौद्धिक क्षमता होगी यश में सभी के सामने आएंगी और लोग देखकर बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको इन पर घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये सब भगवान शनिदेव हैं जो कि आपको यशमय देने वाले हैं। कुल मिलाकर कहें, जो आपके लिए अब समय आने वाले हैं, मानसिक सुख शांति भरा समय रहेगा। जी दोस्तों, पिछले समय आप खुद में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। पैसों की तंगी जब चलती थी तो आप अपने आप में रोने के कगार पर आ जाते थे। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान शनिदेव के भक्त कभी निराश नहीं होते, देर लगते हैं लेकिन जीवनकाल में चमत्कार जरूर होते हैं। और यश में भगवान शनिदेव का ही चमत्कार है जो कि आपको ये सब सारी चीज़ें, सारी खुशखबरी मिल रही है। आपको बता दें कि अब आपके जीवनकाल में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से कामकाज में व्यस्तता के अलावा आप परिवार व फिर दोस्तों की मौज मस्ती व मनोरंजन में भी समय व्यतीत करेंगे। कहीं से गिफ्ट में कीमती चीज भी आपको मिल सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ भविष्य संबंधी गतिविधियों को लेकर कुछ योजनाएं बनेंगी जिनमें आप बहुत ही अच्छा साबित करेंगे। आप अपनी प्रतिभा को वश में दिखा पाएंगे। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपका जो जीवन होगा, आपका जो समय होगा, बहुत ही अच्छी खुशखबरियाँ आप हासिल कर पाएंगे। आपको बता दें कि आसपास की गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा। आपको बता दें कि जान पहचान भी बढ़ेगी और जनसंपर्क का दायरा भी यश में आपके बढ़ने वाले हैं। आपके द्वारा किया गया कोई महत्वपूर्ण कामकाज यश में सफल होगा, जिससे आप तारीफ के काबिल भी बन सकते हैं। जी दोस्तों, दिन का कुछ समय हर्ष परिवार व फिर मनोरंजन में भी व्यतीत होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम साबित होंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद आपके जीवनकाल पर कुछ ऐसा होगा कि आपके आसपास का वातावरण सुखद रहेगा। घर की साफ सफाई अथवा अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। अपने परिजनों के साथ मिल बैठकर अपने अनुभव को साझा करें। सही समय पर सही निर्णय लेना आपकी कई परेशानियों का हल निकाल देगा और यह सब भगवान शनिदेव का ही कृपा है जो कि आपके जुनकाल पर यश में दिखने वाले हैं। जी दोस्तों, घर में मेहमानों की आवाजाही भी रह सकती है जिसमें उत्साह भरा माहौल रहेगा तथा मित्रों व फिर परिजनों की ओर से चली आ रही चिंता भी आपकी समाप्त होगी। आपको बता दें कि आपके स्वभाव में सकारात्मकता बनी रहेगी। विद्यार्थियों को भी किसी विभागीय या फिर योजना संबंधित परीक्षा में सफलता मिलेगी और यश में आप बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से रुके हुए कार्यों में वृद्धि होने वाली है।
आपके जीवन काल में बहुत ही मनचाहा परिणाम आपको मिलने वाले हैं। कोशिश करने पर मनचाहे कार्य भी समय पर पूरे हो जाएंगे। आपको बता दें कि आप अपनी चतुराई व फिर समझदारी द्वारा किसी भी परेशानी से उबर जाएंगे। बच्चे भी आपकी क्षमता व फिर काबिलियत को लेकर फख्र महसूस करेंगे। किसी संबंधी या फिर उनके यहाँ जाने का निमंत्रण भी आपको मिल सकता है, जो कि दोस्तों आपके लिए अच्छा साबित होगा। आने वाले समय में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से ज्ञानवर्धक समय आपका रहेगा। संस्कारिक कार्यों में आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील व फिर शांतिपूर्ण ढंग से कार्यों को संपन्न करेंगे। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी संवेदनशीलता घर परिवार की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगी। विद्यार्थियों का भी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित बने रहेंगे। उनकी रुचि यश में पढ़ाई में बढ़ने वाली है। सब भगवान शनिदेव की कृपा है, जो कि आपके जीवन काल पर सब आपको देखने को मिलेंगे। शादी साथ दोस्तों आपको बता दें कि किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार के साथ चल रही गलत फहमियाँ भी यश में दूर होने वाली है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि भगवान शनिदेव आपको यश में कौन सी बातों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। दोस्तों भगवान शनिदेव कहते हैं कि कार्य क्षेत्र में रुकावटें अगर आपकी आ जाए तो वश में आपको घबराना नहीं है, सही बुद्धिमत्ता से आपको कार्य करना है, क्योंकि आपकी काबिलियत पर आप अगर भरोसा रखेंगे तो आगे चलकर आपका कोई भी काम नहीं छूटेगा। जीवन काल में तरक्की के राह को पकड़ लेंगे तो जीवन काल में कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी और देखते ही देखते आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। जी दोस्तों, शादी दोस्तों यश में आप किसी के ऊपर ज़्यादा हद से ज़्यादा भरोसा ना करें। स्वास्थ्य यश में आपके लिए भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों वीडियो के अंत में भगवान शनिदेव के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय, दोस्तों इनसे शनि दोष आपके जीवन से दूर होंगे और जीवन काल में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी दोस्तों, मैं आप सभी को बताएं यह उपाय है। तांबे के लोटे में पानी लेकर काले तिल उसमें मिला दें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे शनि के दोष दूर होते हैं, जीवन काल में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।